क्वेश्चन है, स्कूल वाई और जेड में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और एक्स और वाई में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर आपसे बोला गया। वाई और जेड में छात्र कितने? 25 और 30 कितने हो जाएंगे? 55। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 3600। तो वाई एंड जेड में कितने हो जाएंगे? 3600 का 55% आप निकाल लो, तो 55 को मैं 11 × 5 लिख देता हूँ, बटे 100। 36 × 5 = 180 और × 5 = 11 तो हो जाएगा कितना आपका? 88 और 11 = 1980। उसी तरीके से बोला गया एक्स और वाई, एक्स एंड वाई की बात करूँ यहाँ से, इसमें कितने हैं? 45 और ये कितना है? 30। कितने हो जाएंगे? 75। तो यहाँ से 3600 का मैं 75% निकाल लूँ, 75 को 25 × 3 लिख सकता हूँ, बटे में 100। तो ये कितना होता है? 36 × 18 = 10, 108 × 25। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 25 × 8 = 220 और 25 और 20 कितना? 45, 5 × 2 = 25 और 2 कितना होता है आपका? 27। और इनका डिफरेंस हम सब बोला गया ना, तो 0, 15 में से 8 जाएगा 7 और ये बचा 6, 16 में से 9 जाएगा 7, 16 में से 9 जाएगा 7, 770 आ रहा है। 25 × 8 = 220, 25 और 20, 45, 5, 4, 25 और 4, 1 मिनट, 27 होगा यहाँ पर, माफ कीजिएगा। अब डिफरेंस निकाल लेते हैं, यहाँ से 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका? 2 हो जाएगा और 16, ठीक है भाई, 16 में से 9 जाएगा 720 आना चाहिए, ठीक है भाई। 720 जो है इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।